सीधी हो जाए। बाटी भाई रे पहलवान जी बाटी। चकुले कुले जी के बाद रोड जाम कर दिया है, डेड बॉडी सड़क पर रख के इतना क्यों कल सभी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, कहा था दिया जाएगा। अरे यहाँ बीच मतलब यार दो लोगों की आज काफी विरोध उसके शव को मंडी के बाहर रखकर जो है रोड पर रोड जाम कर दिया। कसरे लाइट देख रहे हैं पंजाब के लिए भाई भाई पीछे जाए दूसरी पी कंपनी अपनी दुकान पर आज क्या किया? कुछ भी प्रक्रिया सरकार की तरफ से कुछ भी प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हमें मजबूरन सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करो। किसकी किसकी डेड बॉडी है? ये जगमिंदर मासाखोर है जो साइड के नीचे बैठा रोड जाम कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। आप तस्वीरें देख सकते हैं, नहीं होगा ना? एक मिनट नहीं है, मौके पे देखो किस तरह चैट कर रहा है। ये तो ये प्रूफ है, कहने की बात नहीं है, ये लापरवाही है प्रशासन की सर। लगे हाँ बिल्कुल, वो तो ऊपर ऐसा जैसे रखे हुए कोई, ये इतनी लापरवाही है प्रशासन की। हमने जो है ना बार बार जो है ना अच्छा हो जाएगा, इसको ठीक किया जाए ठीक किया जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। इब क्या करे आप लोग? अब तो जो है ना इसकी मांग कर रहे हैं प्रशासन, यहाँ तक नहीं आता। कल से प्रशासन भी नहीं आ रहा, मर्डर हो चुके हैं, इब भी प्रशासन नहीं आ रहा यहाँ पर के भाई कोई सुध ले रहे पूछ ले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नहीं आ रहा अब तक। डेड बॉडी रखी है? डेड बॉडी रखी है, अब आएगा प्रशासन से बात होंगे, जब बात होगी। कितने दिन कब तक रहेगा? क्या कहना है अब आगे की क्या मुहिम चलाओगे? कल जो भी लोग एक मिनट डेड बॉडी रखी है, क्या कहना चाहोगे? ऐसे जिनके घर में मौत होती है उनको पता लगता है ये प्रकृति की देन है या जान करके काम हुआ या लापरवाही के कारण काम हुआ। देखो जी शेड मान लो एक वीक है, एक मजबूत है, लापरवाही नहीं है प्रकृति की देन है, दोनों शेड कैसे गिर जाएंगे? दोनों शेड कैसे गिरे जी? मुआवजा कह रहे जी 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए किस लिए देंगे जी? हम क्या भीख मांग रहे क्या? क्या मांग? 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख दो मंडी वाले क्या मांग रहे? पकड़ा देंगे क्या मांग? 1 करोड़ रुपए का मुआवजा है, जो क्या करना? लोग जख्मी है उनके लिए मुआवजा, जो शेड में नुकसान हुआ है गरीबों का उनका मुआवजा, और जिनकी लापरवाही के कारण ये काम हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो उसमें कोई मर्जी हो।
पे सरकार फौरी तौर पे दे, बाकी चीजें बाद की है। ये मंडी के प्रधान जी खड़े सोनीपत से आए थे, ये कह रहे हैं कि कल 5 लाख इनके जो है ना घर का गुजारा कैसे हो, गरीब आदमी है, आदमी की कीमत लगा रहे हैं या उसके उसका घर का बस उनका जो परिवार चलाना है, ये तो उनकी बोली लगा रहे हैं, उसकी कि उसकी जो डेड बॉडी की बोली लगा रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए। अरे सरकार के मुखिया हैं, कम से कम आके उनको उनकी छाती पे उसके घाव भरना चाहिए, मलहम लगानी चाहिए। 50 लाख से कम तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। खत्री साहब यही बात है, बोली लगाई जा रही है जी। देखो भाई ने कहा 50 लाख एक नौकरी, हम कहते नौकरी नहीं देंगे तो 1 करोड़ से कम में, या तो 50 लाख एक नौकरी दो या फिर 1 करोड़ रुपए चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम अपनी जेब से दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा शहर भी जब हम सरकार को दे रहे हैं उनके बगैर काम करे, वे कोई सेट का काम करते नहीं, किसी चीज का काम नहीं करते। जब हम सरकार को दे रहे हैं तो हम अपने भाइयों को भी दे देंगे। और इसमें सरकार को एक किस्म से मंथली जा रही है बदमाशी की, ये सरकार की बदमाशी है जो हमारे से मंथली ले रही है, जो की कांग्रेस सरकार में उस टाइम पे बिल्कुल माफ कर दी गई थी। कोरोना काल में सभी को कुछ ना कुछ फायदा दिया और हमारे पे एक टैक्स थोप दिया गया ना, तो 6 महीने पहले कृषि मंत्री ने ट्वीट करके कहा था भाई ये टैक्स सबका माफ कर दिया गया है, पर कोई माफी नहीं हुई। आज तक हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे साथ झगड़ा भी होता है, लेने वाले बोलते हैं कि टैक्स माफ है, हम उनसे टैक्स मांगते हैं तो वो फिर टैक्स हमें देना पड़ता है, झगड़ा करते हैं कि सरकार ने माफ कर रखा है, और कोई माफी नहीं कर रखी। आम आदमी पार्टी के नेता सैनी साहब क्या लगता है, ये कह रहे हैं बदमाशी का टैक्स था, ये बदमाशी जैसा ही है, चलो बदमाशी पर शब्द ना कहे लेकिन बदमाशी से कम भी नहीं है ये तो दिंगा मस्ती है। बदमाशी वजह इसको दिंगा मस्ती को लोग तीन तीन दिन इन्होंने हड़ताल की मंडी ने, तब इनको कोरा आश्वासन दे के फिर सरकार अटका दिया। अब मेरी एक मांग हो रही है इसमें कि जो भी दोषी है इस मामले में, जिसकी लापरवाही से मामला हुआ है, जिनके दो चिराग बुझ गए, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके। बिल्कुल जी, क्या मांग करते हैं?